अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या हाल है? ठीक है जी सर। जी सर, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाए सर। मैं ठीक ठाक। चलिए टाइमर से भी स्टार्ट करते हैं कुछ सेकंड्स के बाद। जरा अच्छा, हमारा तो वैसे ही ऑनलाइन सेटअप है, लेकिन फिर भी ऑनलाइन से रिलेटेड भी एंड पे मुझे याद करवाई थी कुछ एक दो अनाउंसमेंट्स हैं जो कि बचे कुछ करनी है। ठीक है, कोर्स से रिलेटेड फिर एंड पे ज़रा डिस्कस करते हैं। बाकी ये है कि अटेंडेंस का मैंने आप लोगों को कुछ का देखा था, फिर मैंने चेक तो नहीं किया, ना ही मैं चीज़ों को ड्यूरिंग द सेमेस्टर देखता होता हूँ। एट द एंड जब टाइम आता देखने का तब मैं देखता होता हूँ। तो आपका ऑनलाइन जो पोर्टल है उसके ऊपर डेली बेसिस पे सारी चीज़ें अटेंडेंस खास करके उसी टाइम पे लगी जाती है। फिर आपने देखा होगा रिकॉर्डिंग्स वगैरह और जो कोई मटेरियल है बुक या इस तरह की चीज़ें, वो भी मेरे इस कोर्स से रिलेटेड सारी चीज़ें टाइमली हुई होती। ठीक है, तो अगर मैं एफर्ट पुट कर रहा हूँ तो डेफिनेट सी बात है आपको भी एफर्ट पुट करनी चाहिए। तो ये अपनी चीज़ें, ये अपने मामला जो हैं वो आप लोगों ने खुद से ठीक है रखने, राइट। और इसमें अगर कोई इशू होता है तो वो मेरे साथ प्रॉपरली डिस्कस करे। उसमें कोई इलॉजिकल चीज़ें नहीं होनी चाहिए, कोई लॉजिकल चीज़ हो फिर उसका कोई सलूशन भी देखा जा सकता है। लेकिन अपने बिहाफ पे गायब हो जाना या अपने बिहाफ पे आना ना आना, वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। सर एक चीज पूछनी थी आपसे। जी जी। कि सर अगर हम आपको मतलब कि जैसे सैटरडे मॉर्निंग को कोई मेल करें किसी चीज से पूछने के रिलेटेड हो या कोई क्वेश्चन हो मतलब कि बुक से रिलेटेड, तो सर वो रिप्लाई हमें कब तक मिल जाएगा, वो थोड़ा गाइड कर दें। ये किस टाइप का क्वेश्चन? पहली बात तो ये है कि मुझे तो आज सर, तक किसी वीकेंड्स ने... में ना जैसे वीकेंड्स पे अगर कोई मेल करता है आपको जी जी, तो आप वीकेंड्स पे मेल चेक करते हैं? सवाल ये है सर, मोस्टली लोगों का जो मोबाइल है उस पे जीमेल की ऐप कन्फिगर होती है। ठीक है जी सर, समझ लगी बात की। सो इट डिपेंड्स के वो उसको देख रहा है या नहीं देख रहा। वैसे ऑफिशियली सैटरडे संडे इज ऑफ, दैट इज मतलब वो हमारे फैमिली के लिए जो भी चीज़ है वो ऑफिशियली हम बाउंड नहीं है कि उसमें हम चेक करें या किसी किस्म का भी रिप्लाई करें जो एथिकल चीज़ है। ठीक है, एथिक्स के अकॉर्डिंगली वो हमारा फुल फ्लेज अपना टाइम है कि उसमें हम करें या ना करें, वो हमारी अपनी मर्जी है। ठीक है, पहली बात। फिर ये है कि फिर सिस्टम्स भी किसी के सामने अवेलेबल नहीं होते। जो हमारे पोर्टल्स और जो जिस तरह की चीज़ें हैं वो हमारी एक्सेस नहीं होती सिवाय ये जीमेल या इस तरह की टाइप के, यानी कि हवाई एक्सेस होती है। समझ लगे ना? तो लॉजिकली भी कोई चीज़ नहीं हो सकती, टेक्निकली भी कोई चीज़ नहीं हो सकती। रहेगी बात बतूनी बातें, तो वो विद इन द लूप अगर कोई कर देता है तो उसकी मेहरबानी है, नहीं भी करता तो वो फिर मंडे को आके अपनी चीज़ों को देखेगा। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरी 8 बजे क्लास है। ठीक है, तो टेक्निकली 9:30 से सेशन स्टार्ट हो रहा है, लेकिन मेरी चूँकि 8 बजे क्लास है या जिसकी भी 8 बजे क्लास होगी वो मौजूद होगा और बाकी बाउंड नहीं है मौजूद होने के। ठीक है, तो बाज़ दफ़ा अगर कोई टेक्निकल सपोर्ट मुझे अपने तौर पे भी चाहिए हो तो सम टाइम मुझे वेट करना पड़ जाता है या मुझे चीज़ों को देखना पड़ता है क्योंकि क्या मामला है। ठीक है, अब 3 दिन आप लोगों के साथ मैं 8 बजे आ रहा हूँ, एक मेरी फिर एक और लैब है, तो यानी कि अपने टाइम से थोड़ी सी ये शिफ्टिंग भी है। लेकिन अब आई डोंट नो कि आप किस सिनेरियो में पूछ रहे हैं। इट फील्स लाइक कि आपने किसी को ईमेल की होगी और उसने कुछ कहा होगा, तो आप दबे लफ्जों में मेरे से राय लेना चाह रहे हैं, मुझे तो ये लग रहा है। खैर एनी हाउ, नहीं नहीं सर, वो ना अक्सर जैसे मेल करते हैं ना तो रिप्लाई मतलब कि सैटरडे कभी आ जाता है कभी नहीं आता, तो इसलिए पूछना। नहीं, वो इट डिपेंड्स के वो नेक्स्ट अगले बंदे पे डिपेंड करता है कि वो उसको मतलब यानी कि क्या डेफिनेट। बहुत सारी चीज़ें हमने मैनेज की होती है ना। एक और चीज़ आपने बड़ी कॉमन देखी होगी कि टीचर मोस्टली आपको ऑफ पे या किसी रीज़न की बेस पे भी कम मिलेंगे। आप पढ़ते ही हैं, आपको पता ही है शाजो नाजर कहीं, तो ऐसा नहीं होता कि उनके साथ ज़रूरियात नहीं लगी होती, उन्होंने ज़रूरियात एडजस्ट की होती। समझ लगी ना बात की? कोई सैटरडे पर प्लान किया हुआ है, कोई संडे पर किया हुआ, किसी बंदे को कुछ कहा हुआ, किसी को शाम का कहा हुआ,
क्यों, क्योंकि अगर मैं नहीं आ रहा मेरी जगह पे कोई और बंदा आके क्या करेगा, अगर उसने अटेंडेंस लगानी है उसको उसमें इश्यूज आएंगे, उसने पढ़ाना है उसको उसमें प्रॉब्लम्स आएंगे, तो जो कंसर्न्ड पर्सन है वही अपनी चीज़ों को चला सकता है। और ये स्कूल तो है नहीं कि किसी ने इस्लामियात का या पाक स्टडी किया तो उसको माने मुफसल पढ़ा दिया, माने मुजम्मल पढ़ा दिया, सबको आता है तो कोई भी जाके लेक्चर, तो वो चीज़ें बहुत डिफरेंट होती हैं। सो एनी हाउ इन केस, इन शॉर्ट समरी ये है कि अगर किसी ने आपको रिप्लाई देता है तो वेल एंड गुड, बी थैंकफुल टू हिम और हर, और अगर कोई नहीं आता तो डेफिनेट सी बात है फिर वो मंडे से कंटिन्यू करेगा, ठीक है ना। अब मोस्टली लोग फॉर एग्जांपल किसी का लेक्चर वो मेल डाल दे किसी भी बंदे को कि वो जी मेरी एबसेंट थी या प्रेजेंट थी या यूँ कोई इसके मामला आता है, वो फिर जब आएगा सिस्टम पर बैठेगा तभी उसने ऑब्वियसली देखना है। सो आई होप सो के आपको एक बड़ा रीजनेबल आंसर मिल गया होगा। मुझे ज़रा पोर्टल एक्सेस करके अटेंडेंस लगा लेते हैं हम लोग। अब्दुल मोहित मिर्जा, ये सॉरी ये हाँ आप लोगों की ही है, ठीक है। हाँ जी अब्दुल मोहित मिर्जा नहीं है मौजूद, तो है लेकिन आवाज नहीं उसकी आ रही। चलें खैर प्रेजेंट लगा देता हूँ, ठीक है जी प्रेजेंट मार्क करती है अब्दुल मोहित मिर्जा की। अब्दुल रहमान प्रेजेंट सर। अब्दुल रहमान ठीक है। अब्दुल्ला जमशेद ओके जी, अब्दुल्ला जमशेद नहीं है। अहमद अब्दाल भी नहीं है ओके जी। अमर शफाक अवान प्रेजेंट सर ठीक है। और अली सुहेल प्रेजेंट सर ठीक है। अरीब लुकमान अरीब नहीं है। दानिश कुदरतुल्ला यस सर ठीक है जी। फहीम अफजल फहीम नहीं है। हशाम सरवर प्रेजेंट सर जी ठीक। हसन अली नहीं है। मोहम्मद दाऊद मंसूर खुरम शहर यस सर खुरम मौजूद है जी बोल नहीं रहे चले प्रेजेंट लगा रहे हैं यस सर ठीक है जी। मोहम्मद अली हसन मोहम्मद अली हसन नहीं है जी। मोहम्मद फारूक ठीक है जी। फारूक साहब आवाज आ गई है माइक की भी आप बंद कर लें माइक ना थैंक यू। मोहम्मद हसान सदीक ठीक है जी। मोहम्मद मजहर नहीं है जी। शहरयार प्रेजेंट सर प्रेजेंट सर ठीक है। शहरयार वालेकुम सर प्रेजेंट वालेकुम सलाम। अभी सलाम भी रोक के रखे हैं जरा थोड़ी अटेंडेंस लगा रहे हैं फिर वालेकुम सलाम कहते हैं। और शहरयार भी हो गया। मोहम्मद उमर फारूक यस सर ठीक है जी। और मोहम्मद उमर हयात
हयात मौजूद है। अच्छा बोला भी करे ना, अक्सर लोग बीच में मौजूद होते हैं, पता नहीं क्या कब समझेंगे। खैर ठीक है, जुमा हयात प्रेजेंट लगा रहा हूँ। मुश्तबा आमिर, आप लोग अपनी फलाक की जिम्मेदारी से मुबर रहे हैं, पता ही नहीं है चीज़ों का। मुश्तबा आमिर पता लग जाता है, जैसे फौरन एब्सेंट लगा तो पता लग जाएगा अगले लेक्चर में, लेकिन खैर मुश्तबा आमिर नहीं है जी। सन्नान आमिर, यस सर, ठीक है। शाजिद अहमद कुरैशी, शाजिद अहमद कुरैशी भी मौजूद हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि सर खुद ही अंदाजा लगा लें। चलें जी, अल्लाह आपको पूछेगा। शराज खालिद, प्रेजेंट सर, ठीक है जी। सुबह सुहेल करीम बुक्टी, प्रेजेंट सर, ठीक है जी। सैयद हैदर अली तिरमजी, प्रेजेंट सर। है सैयद हैदर अली तिरमजी, प्रेजेंट सर, ठीक है। उज़ैर इफ्तिखार, प्रेजेंट सर, ठीक। या इमरान, यस सर। अच्छा जी, अब जो आई यू यू लेट वाले हैं, फहीमा है और मोहम्मद अली हसन ने, यस। फहीम की लगाई और मोहम्मद अली हसन की मार्क की है, और अरीब लुकमान, अरीब सर, फहीम अफजल। हाँ जी लगा दिया है, एक तो लेट आए और एक माइक वो स्पीकर भी बंद किया, वो लोग माइक बंद करते हैं, इसने स्पीकर भी बंद किया हुआ ताकि सर की आवाज ही ना आए। नहीं सर, वो मैं निकलने लगा था इसीलिए वो कनेक्शन लगा आगे ना चले गया। अच्छा चलें जी, अरीब लुकमान भी हो गया, मोहम्मद अली हसन भी हो गया और फहीम अफजल भी हो गया, ठीक है जी। और तो कोई नहीं है, अच्छा इसमें एक और चीज़ है कि अभी हमारा तो पहले ही खैर ऑनलाइन सेटअप है, हमें इन सारी चीज़ों से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता सो असेसमेंट्स के, और उससे भी हमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि एक ही सेक्शन है और सारी चीज़ें सेम हैं, चाहे सारे ज़ीरो पे बैठे हों या वन पे बैठे हों, वो बाइनरी है, कोई उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डीपली आई कैन अंडरस्टैंड कि उससे क्यों फ़र्क नहीं पड़ता। खैर सो बस आप लोगों के लिए एक चीज़ ये है कि चूँकि अब कुछ लोग जो हैं वो कुछ ऐसी जगह पे मूव करना चाह रहे होंगे या मूव कर जाएंगे या कह देंगे कि हम कुछ ऐसी जगह पर थे जहाँ पे इंटरनेट ही आगे पीछे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पाकिस्तान में गांव से लेके बाहर तक का सफ़र किया, मैं बड़ी यूनिफॉर्मली जो है ना वो चीज़ें आगे पीछे फिरी हुई हैं। तो आजकल कंपनीज़ के या कोई ना कोई हमारे पास सोल्यूशन है, लेकिन अगर इनके इसको समझता है कि उसके पास कहीं पर फिजिबल सोल्यूशन नहीं है तो इट्स बेटर कि वो मूव ना करे। लेट्स से अगर आप अभी किसी जगह पर बैठ के बेहतर क्लासेस ले रहे हैं, और अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी मैंने थोड़ा ज़रा अच्छे तरीके से एनालाइज़ किया है तो उसमें भी कुछ चीज़ें हैं कि अगर आप देख रहे हैं किसी जगह पर कनेक्टिविटी के इशूज़ या इस तरह की, तो आप इट्स बेटर कि आप ना मतलब उधर को जाएंगे, और वो बहुत एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, कोई एक आध हो सकता है जिसको इशू हो, लेकिन अगर सारे उसको कह रहे होंगे या उस तरह से कर रहे होंगे तो वो फिर चीज़ों को एनालाइज भी किया जाएगा, उस एनवायरनमेंट को देखा भी जाएगा कि ये क्या कह रहा है, ठीक है। और इसको आप लकी हैं या अनलकी हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट आपके टीचर को कुछ नाउ हाउ है, ठीक है, और एटलीस्ट अपने शागिर्दों जितनी ज़रूर है। तो अगर किसी को कोई इशू है तो मैं इंशाल्लाह उसको कोई सलूशन या उस तरह की चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। अगर कोई लेम एक्सक्यूज़ के तौर पे या उसको एज अ टैक्टिक्स यूज़ करेगा तो फिर उसका भी काउंटर होता है, और अगर किसी को कोई जेन्युइन इशू है तो
उसको डिस्कशन से उसका कोई जेन्युइन कोई सलूशन भी मुमकिन हो सकता है, लेकिन इट डिपेंड्स कि वो डोमेन किसकी है। तो हमने इन सारी चीज़ों को नेगेटिव वे में प्लग एंड प्ले नहीं करना, ठीक है। हमने को मुख्तर सी बात यह कि नेगेटिव वे में नहीं लेके जाना। हाँ, अगर कोई चीज़ें हैं या उस तरह से हैं तो वी कैन सॉर्ट इट आउट, लेकिन उसको एक पॉजिटिव वे में, और वो बिल्कुल एक रवायत भी नहीं बन जानी चाहिए, ठीक है। या लेट्स से जी दो बंदे गिलगत जा रहे हैं तो बाकी कहें कि हमने भी जी इसी बस में जाना है, तो आप देखें कि ज़रूरत है नहीं है, बात क्या कर रहे हैं। ये नहीं है कि एक को देख के दूसरा भी, क्योंकि आप मैच्योर हैं, ठीक है। मैं एक दो और कोर्सेज पढ़ा रहा हूँ तो उसमें ये है कि उसमें एक लाइन बन जाती है, यानी कि एक बंदा अगर उठा हुआ तो 10 भी उठ के खड़े हैं, समझे। एक बार पता नहीं है क्या है, बस ये है कि साथ वाला चौंक के बैठा हुआ तो हम भी बैठे हुए, साथ वाला उठ के खड़ा हुआ तो हम भी। सो इन एनी हाउ हमने जो है वो चीज़ों को प्लग एंड प्ले नहीं करना, ठीक है। पॉजिटिव वे में जो चीज़ें होंगी उसको हम मिलके सॉर्ट आउट कर सकते हैं, लेकिन ये है कि हमने उसमें कोई चीज़ें नहीं लेके आनी, तो ठीक है ना। और मुझे चीज़ें क्लियर हैं, अगर माइंड में कोई चीज़ें अटकी हुई हैं तो यू कैन आस्क, और मैं उतनी देर में बुक को ओपन कर रहा हूँ तो हम कंटिन्यू करते हैं। लेकिन हम कोई अगर क्वेश्चन है तो डिस्कशन को ज़रा शॉर्ट शॉर्ट करेंगे, ठीक है। और ये जो 7 चैप्टर है इसका क्विज भी मैंने लेना है, 1 क्रीप मैं आपको बता दूंगा किसी लेना है, डेली रोज़ लेक्चर में मैं कह रहा हूँ, और साथ साथ इसीलिए कह रहा हूँ ताकि आप उसको स्टडी कर लें, ठीक है। ओके जी, मैं अच्छा ये वैसे वाला फनी नोट, ये ईमेल वाला जो भी कह रहा था वो किसी और की ईमेल की बात कर रहा था, आपके टीचर की ईमेल की बात नहीं कर रहा था, वो वैसे ही बच्चे किसी का कोई क्वेश्चन था, ठीक है। मैं वैसे ऐप पे, या बल्कि आप सब भी ऐप पे अक्सर चेक करते रहते हैं चीज़ें इस तरह की। सो एनी हाउ एग्जाम्पल जो थी 7.7 को हमने बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक है। और इसकी बड़ी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस थी कि कब टर्बाइन ऑफ हो रही है, कब नहीं हो रही, रेटेड पे कब चल रही है, कब रेटेड पे नहीं चल रही, और कैपेसिटी फैक्टर को हमने देखा था कि 38% का क्या मतलब है। फिर हमने उसकी एक शॉर्ट वे में डेफिनेशन देखी थी कि एक्चुअली 38% के पीछे क्या लॉजिक है, ये अगर इसको कोई बंदा 40 कहता है या 45 कहता है तो उसको हमने कैसे प्रेडिक्ट करना है, कैसे उसको अंडरस्टैंड करना है, उसका एनालिसिस किस टाइप का होगा, ये कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की। फिर हम जब कुछ चीज़ों में आगे चलते हुए तो हमें इसमें ये फील हुआ कि जब आपको किसी जो है वो दो विंड स्पीड के दौरान कोई इंटरवल जब आप देखते हैं उस पर अगर प्रोबेबिलिटी या एनर्जी को कैलकुलेट करना हो तो आपको अक्सर एक से दूसरी चीज़ माइनस करनी पड़ रही होती है, चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ रहा होता है। तो हमने ये देखा कि क्या कोई ऐसा डायरेक्ट वे में फॉर्मूला है कि बजाय कि पहले एक लेट से ग्रेटर वाली चीज़ को फाइंड आउट करें, फिर सपोज लेस वाली को फाइंड आउट करें, फिर उनमें से माइनस करें और फिर इन बिटवीन का आप आंसर निकालें। तो फिर वो हमने देखा कि अगर इंटरवल थोड़ा स्मॉल हो तो जो डी वी था वो, फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन भी छोड़ा कि ये फार्मूला, इस फार्मूला की लिमिटेशन क्या है जिस पर अब बात करने लगा हूँ, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं वो आपके एंड पे स्टडी करने के लिए छोड़ा। अच्छा जी, इसमें डी वी को जो है वो शॉर्ट रखा जा रहा था ताकि एक स्मॉल इंटरवल हो। इसमें हमारे सामने एक एग्जांपल आई, ये फॉर एग्जांपल जैसे था। अब इसमें अगर देखें वी के अगेंस्ट, मैंने पिक्चर आपके सामने रख ली, तो वी के अगेंस्ट वी प्लस डी वी या वी माइनस डी वी, इस पर अगर आप देखें तो आपको जो कर्व है वो इट फील्स लाइक ए लीनियर, वो उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस नहीं हैं। ये इंटरवल देखा गया कि स्मॉल होना चाहिए। फिर हमारे पास एक एग्जांपल भी है जिसमें 6.5 से लेकर 7.5 तक का इंटरवल था और उसके इन बिटवीन हमने चीज़ों को फाइंड आउट करना था। तो फिर ये देखा गया कि 6.5 और 7.5 के इन बिटवीन जो एवरेज टाइप चीज़ है वो क्या है, वो 7 है, यानी कि 6.5 और 7.5 के इन बिटवीन एक चीज़ है 7। तो फिर हम 7 पे एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें एक ही फार्मूला लगाना पड़ जाए। फिर इसी चीज़ जिसको मैं बता रहा हूँ उसके लिए हमने एक एग्जांपल देखी, ये 7.8 भी लास्ट टाइम हमने डिस्कस की।
हमें यह था कि 6.5 और 7.5 के दरमियान में प्रोबेबिलिटी निकालें और उनके पीडीएफ्स वगैरह को कंपेयर करें और इस तरह की चीज़ें। तो हमारे पास प्रीवियस जो कॉन्सेप्ट थे उसके अकॉर्डिंगली हमने 6.5 से ग्रेटर पे निकाला आंसर, फिर 7.5 से ग्रेटर पे आंसर निकाला, और फिर मैंने आपको लॉजिकली समझाया कि हम 6.5 से 7.5 माइनस क्यों कर रहे हैं। फिर कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ पर क्वेश्चन किया कि किसी और वे में अगर हम कर लें, यानी कि उनका क्वेश्चन ये था कि 6.5 से लेस कर लें और 7.5 से ग्रेटर कर लें, यानी कि जो बुक की टेक्निक है उससे हट के उनके माइंड में कुछ चीज़ें थीं। फिर हमने उसको भी देखा कि वो चीज़ें पॉसिबल नहीं थी, ये भी हमने डिस्कस किया। और फिर जो ओल्ड वेरिएंट था उसमें आपने दो वैल्यूज़ फाइंड आउट की और उनको माइनस कर दिया लॉजिकली, किससे क्यों माइनस कर रहे हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अभी ये जितनी बातें की, दैट वाज ओल्ड वेरिएंट, ये 7.8 को करवाने का मकसद अभी तक सामने नहीं आया। अभी तक जो हम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं वो 7.7 वाली ही मैं आपको समरी में बता रहा हूँ। अच्छा, ये जितना मैं बोल रहा हूँ ये मैं पहले करवा चुका हूँ, ठीक है, ये जस्ट फॉर एन ओवरव्यू। ओके, फिर हम इस बात पर पहुंचे कि ओके जी, 6.5 और 7.5 के इन बिटवीन अगर मुझे कोई वैल्यू मिल जाए और इन बिटवीन वाली वैल्यू रिप्रेजेंट भी एक्चुअल को कर रही हो, क्योंकि वंस यू आर सेइंग कि 6.5 से 7.5 है तो एक्चुअल ये चीज़ है। अब आप आ रहे हैं 7 के ऊपर और आप कोई शॉर्ट कट ढूंढ रहे हैं, आप कोई एक फार्मूला लगाना चाह रहे हैं बजाय कि दो चीज़ों को फाइंड आउट करते और माइनस करते, तो डेफिनेटली बात है यहाँ पर कुछ परसेंटेज जो है वो एरर्स की इन्वॉल्व होगी, ये मुझे पता करने से पहले। सो एनी हो, जब मैंने देखा कि 6.5 और 7.5 के इन बिटवीन मैं एक नंबर ले लूँ 7, ठीक है, तो प्रीवियस जो हमने फार्मूला प्रोबेबिलिटी वाला पढ़ा हुआ था जहाँ से ग्रेटर और लेस स्पीड वाले फार्मूलाज हमने अखज किए थे, वो एफ वी इज इक्वल टू पाई वी और 2v स्क्वायर का जो है उसके ऊपर बार और सारा, ये हमने रिले पीडीएफ के अकॉर्डिंगली 7.46 के अकॉर्डिंगली किया, ठीक है। सो इसको अगर मैं यूज़ कर लूँ, अब इसमें मेरे सामने आ रहा है कि एक वी बार और एक वी है, तो इसको मैंने डिस्कस किया था हम लोगों ने। अब इसमें क्या चीज़ें थी, तो हमने लिख लिया कि प्रोबेबिलिटी हम इन चीज़ों की फाइंड आउट करें, लेकिन हम एनालिसिस करें 7 के ऊपर। वाई? क्योंकि 6.5 और 7.5 के इन बिटवीन है और 0.5 उससे प्लस है, 0.5 उससे माइनस है। अब फार्मूला में वैल्यूज़ कैसे यूज़ करनी थी, चूँकि आप 7 पे एनालिसिस कर रहे हैं, ये भी मैंने आपको बताया था, 7 आ गया। और 8 क्यों आया, क्योंकि ये वी बार थी, वी बार कौन सी होती है, जो कि रिले की पीडीएफ होती है, एवरेज रिले पीडीएफ विंड स्पीड्स, तो ये डेटा में दी हुई थी। सो आपने फाइंड आउट कर ली, जब आपने आंसर देखा ना तो अप्रोक्सीमेटली जस्ट 0.2% का फ़र्क है, ठीक है। सो इसका मतलब है कि अगर किसी शॉर्ट इंटरवल पे इन बिटवीन अगर मैं वैल्यू देखूँ तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंस होगा लेकिन बहुत शॉर्ट डिफरेंस है। ये कुछ चीज़ें थी जो कि प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड थी, दैट वाज अ शॉर्ट समरी। और अब आगे चलते हैं ज़रा। अच्छा, ये वो टेबल है जो कि ऑन एंड ऑफ मैं आप लोगों को थोड़ा मोटिवेशन के लिए या एक्सप्लेनेशन के लिए हमेशा दिखाया करता था। अब इस टेबल को प्रैक्टिकली थोड़ा सा कहीं हमने यूज़ भी करना है, तो अभी देखते हैं कि कहाँ पर हमने यूज़ करना है। हमारे पास एक एग्जाम्पल है 7.9 जिसको भी हम डिस्कस करने लगे हैं। अच्छा, ये जो हेडिंग होती है ये फॉर एग्जांपल जो बोल्ड में दी हुई है, ये डेफिनेट सी बात है बुक वाले ने खुद से एनालाइज करके लिखी हुई, और ये लाजमी नहीं है कि एग्जामिनर या मैं ही आपको चीज़ें प्रोवाइड करूं। ये वाली जो मैंने लेट से हाईलाइट किया, एनुअल एनर्जी डिलीवर्ड यूजिंग अ स्प्रेडशीट, राइट, ये तो एक हेडिंग और ये तो पूरे टॉपिक को वाजे कर रही ना, तो इस तरह के हिंट्स तो नहीं होते, ठीक है। ये एक्सेप्ट बुक्स वाले जब एग्जाम्पल करते हैं तो उसके ऊपर एक हेडिंग दे देते हैं ताकि ये इस टॉपिक से रिलेटेड है या उसका थीम आपके सामने वाजे हो। सो खैर, इससे हटके हम देखते हैं। सपोज अवेस्तास 112 मीटर, अब ये डाया है जिसको हम यूज़ अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, रूटर का डाया जो कि पावर के सिंपल फार्मूला जो था 1/2 डेंसिटी एरिया इनटू वेलोसिटी का क्यूब, तो ये एरिया के अंदर डाया यूज़ हो सकता है, राइट। और अगर हम रिले पीडीएफ के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं तो फिर हमारा फार्मूला डिफरेंट होता है और उसके साथ एक न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई हो जाती। सो एनी हाउ, विंड टरबाइन रेटेड एट 3075 किलोवाट, ये पी रेटेड है आपके पास, ठीक है, जो कि रेटेड स्पीड वी रेटेड से लेके वी फर्लिंग तक ये आपको मिलती है। इंस्टॉल्ड एट अ साइट हैविंग रिले विंड स्टैटिस्टिक्स,
अच्छा एक और चीज़ है, सम टाइम जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो लेक्चर, तो मैं कोई बात कर रहा होता हूँ तो उस बात तक अगर आप नहीं भी पहुँचते तो आप अपनी चीज़ों को थोड़ा पीछे, इसका मतलब है कि पीछे से कॉन्सेप्ट्स थोड़े से वीक हैं, आप पिछली चीज़ों को पढ़ सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं और पूछना चाहिए तो खैर पूछ भी सकते हैं। तो वीडियोज अगर आप फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे कमेंट दिया लिखा हुआ था 3075 किलोवाट, रेटेड एट 3075 किलोवाट, तो इस पे मैंने ये कमेंट दिया है कि ये वी रेटेड से लेके वी फर्लिंग तक यही पावर मिलेगी। अब ये कोई एक दो लेक्चर्स या थोड़ी अंदर की बात है, जो थोड़ा मतलब सुन रहे होते हैं उनको पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ कि वी रेटेड से वी फर्लिंग के दौरान ये कैसे मिलेगी या क्या होता है, या जिन्होंने पावर कर्व को देखा हुआ या पिछली एग्जाम्पल्स को 7.7 को गौर से समझा, तो अगर आप नहीं समझे या इस तरह की कोई बात होती है तो इसका मतलब आपको थोड़ा सा लिटरेचर रिव्यू करने की ज़रूरत है, जो प्रीवियस हमने पढ़ा उसको थोड़ा रिव्यू करें ताकि आप उस लेवल तक आएँ, और वो आ सकते हैं अगर आप थोड़ा सा भी गौर से देखें तो। ओके जी, इंस्टॉल डाटा ये गुना बन के नहीं बैठ जाना, फॉर एग्जांपल मैंने कहा तो आपने कहा जी कोई बात नहीं, नीचे न्यूमेरिकल तो है वो तो हमें करना आता है उसको तो हम याद कर लेंगे या इधर उधर से देख के कर लेंगे, नहीं अगर मैं कोई डीपली बात पूछ लेता हूँ तो फिर याद वाले या देखने वाले जो हम वो मुस्तफीद नहीं हो सकते। एट अ 3075 ओके जी इज इंस्टॉल्ड एट अ साइट हैविंग एक जगह पे कहीं लगी हुई है, हैविंग रिले विंड स्टैटिस्टिक्स विद एन एवरेज स्पीड ऑफ एट, ये जो फॉर्मूला में अक्सर आपको वी के ऊपर बार नजर आ रहा था ये उसकी बात हो रही, और इसकी इंडिकेशन क्या है क्योंकि ये रिले विंड स्टैटिस्टिक्स की एवरेज स्पीड होती है राइट एट अ हब हाइट। अब आपको पता है कि जिस टावर के ऊपर हमने उसको लगाया होता है उसको आप हब कह रहे होते हैं, ठीक है, जिसको अभी मैंने वर्ड टावर भी यूज़ किया है, हब हाइट एक खास टॉप के ऊपर नेसल के ऊपर जो चीज़ें लगी हुई हैं। सो हमने जो चीज़ें फाइंड आउट करनी है दैट इज़ फाइंड द एनर्जी जनरेटेड बाय 7 मीटर पर सेकंड विंड्स। ओके अच्छा ये इसमें बड़ी एक इम्पॉर्टेंट सी चीज़ है, उसने कहा फाइंड द एनर्जी जनरेटेड बाय 7 मीटर पर सेकंड विंड्स, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि एक्चुअली 6.5 से 7.5 मीटर पर सेकंड, ये वो आपको जो पिछली एग्जांपल है 7.8 उसकी सारी झलक दिखला गया, ठीक है कि 7 पे मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ और इन एक्चुअली जो है ना वो 6.5 से 7.5 है, यानी कि मैं यहाँ पे थोड़ी सी अप्रॉक्सीमेशन वाला जो सिनेरियो प्रीवियस एग्जांपल में हमने डिस्कस किया वो करूँगा, ये वो इसको देखते साथ मेरे जहन में सारी चीज़ें रिकॉल हो गई हैं क्योंकि ये क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि 6.5 से 7.5 थी और उसकी इन बिटवीन 7 था और जैसे अभी हम 0.2% डिफरेंस को डिस्कस कर रहे थे, तो इस तरह की कुछ बातें हैं। खैर फाइंड क्या करना है, एनर्जी जनरेटेड राइट, ये मेरा पर्पस है, और एनर्जी कैसे आती है, पावर इनटू टाइम, और टाइम कौन सा होता है, वो वाले आर्स जब वो वाली स्पीड होती है, और वो वाले आर्स जब वो वाली स्पीड होती है वो कैसे आती है, वो प्रोबेबिलिटी से आती है, फ्रैक्शनल टाइम से आती, वो वाला फ्रैक्शनल टाइम, वो वाली फ्रैक्शन जब वो 7 थी राइट, तो किसी भी चीज़ की जब हमने एनर्जी निकालनी होती है तो उसमें टाइम उस चीज़ वाला डालते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर 9 कह देता तो 9 वाले टाइम ने पावर से मल्टीप्लाई होना था। खैर और फिर ये भी देखना पे ये 7 पे पावर क्या मिल रही थी, ठीक है ना, टाइम भी सही और पावर भी ठीक। ओके जी पार्ट बी है फाइंड द टोटल एनुअल एनर्जी डिलीवर्ड बाय दिस टर्बाइन इन दीज विंड्स, कि आपको टोटल एनुअल एनर्जी फाइंड आउट करनी है ये वाली जो विंड टर्बाइन आपको दे रही है इन विंड्स के अकॉर्डिंगली जो स्टैटिस्टिक्स आपको दिए हुए, तो यहाँ पर एनुअल एनर्जी की बात है, ईयर वाइज एक साल में क्या एनर्जी डिलीवर हुई उसको डिस्कस करते हैं। फ्रॉम बी पार्ट बी जब आप सॉल्व करेंगे फाइंड द ओवरऑल एवरेज एफिशिएंसी ऑफ दिस टर्बाइन इन दीज विंड्स, सो ओवरऑल एवरेज एफिशिएंसी आप फाइंड आउट करने जा रहे हैं, कैसे कि आपको एनुअल का पता है और इन एक्चुअल ये टर्बाइन आपको कितना दे रही है वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो फिर हमारे पास एफिशिएंसी आ जाएगी क्योंकि ओवरऑल पूरे साल में क्या मिल रही है और ये वाली टर्बाइन हमें क्या दे रही है, सो उस सेंस में हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और हमें एफिशिएंसी का आइडिया हो जाएगा। फाइंड इट्स एनुअल कैपेसिटी फैक्टर इन दीज विंड्स, तो इसमें क्या है बेसिकली कि आपको एनुअल कैपेसिटी फैक्टर फाइंड आउट करना है, और अच्छा मैं भी और आप भी हमने थोड़ा थोड़ा यहाँ पर ये भी एनालाइज करना है कि ये एक कैपेसिटी फैक्टर का हमने प्रीवियस वर्ड देखा 0.38% और यहाँ पर एफिशिएंसी भी आ रही है, तो कुछ लोगों के जहन में होगा कि माइट बी ये सेम ही शायद चीज़ें हों,
या अगर सेम हैं या डिफरेंट हैं वो भी यहाँ पर थोड़ा एनालाइज हम कर लेंगे, ताकि एफिशिएंसी से तो हम पहले भी फेमिलियर हैं, कैपेसिटी फैक्टर का एक वर्ड यहाँ पर आया था। सो ये चीज़ें भी, कैपेसिटी फैक्टर को फाइंड करने के अलावा हम एफिशिएंसी से इसका थोड़ा कंपैरिजन या अपनी स्टडी के लिए इन चीज़ों पर भी थोड़ा देख सकते हैं। ठीक है जी, ओके कंटिन्यू हम करते हैं। फर्स्ट पार्ट जिसको हाईलाइट किया, फाइंड द एनर्जी जनरेटेड बाय 7 मिनट, तो वही जो इक्वेशन थी 7.46। अच्छा, ये 7.46 कैसे आई थी? ये 7.46 प्रीवियस है, डिस्कस करवा देता हूँ। सबसे पहले आपको पीडीएफ के लिए कोई ना कोई फंक्शन चाहिए होता था जिसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो, ये भी प्रीवियस बातें बोल रहा हूँ। अब आपको कोई ना कोई ऐसा फंक्शन चाहिए था, फंक्शन होगा तो इंटीग्रेशन होगी। तो आपने क्या काम किया कि आपने वेबुल पीडीएफ एक बना बनाया, जो आपको फंक्शन था आपने उसको यूज कर लिया, ताकि आप इनिशियल स्टेजेस पे आगे कंटिन्यू कर सकें। जब आपने वेबुल को देखा तो वेबुल के अंदर सी और के आ रहे थे, स्केल पैरामीटर और शेप पैरामीटर। तो के को आपने 2 ले लिया और सी को वहां पर शायद आपने 8 प्लग इन कर दिया। तो इन चीजों को लेके जब आप आगे चले तो अब वही वेबुल बन गई रिले पीडीएफ। तो ये वो वाली इक्वेशन 7.46 है जिसको आप बार बार अब इन एग्जांपल्स में यूज करना शुरू हो गए। लेकिन हमने इससे भी फर्दर स्टेप्स किए, हमने इसी इक्वेशन को यूज करके प्रोबेबिलिटी निकाली कि वी इज ग्रेटर देन सम स्पेसिफिक स्पीड और वी इज लेस देन सम स्पेसिफिक स्पीड। इस बेस पे फिर हमने 7.7 भी की है, जिसमें कट इन और फर्लिंग कब बंद है कब नहीं है। तो खैर, एनी हो, ये एक शॉर्ट रिकॉल थी हमारी मेमोरी के लिए। ओके जी, तो ये हमारे पास वही फॉर्मूला। अब इसमें सिर्फ दो चीज़ें होती है कि वी क्या और वी बार क्या। तो वी बार क्या मैंने आपको पहले बताया था कि आपके पास ये विंड स्टेटिस्टिक्स विद एन एवरेज विंड स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड, राइट, ये आपके पास वी बार वाला डेटा है। और पार्ट ए में लिखा हुआ है कि एनर्जी जनरेटेड आपने फाइंड आउट करनी है 7 पे, तो वी की जगह 7 है और वी बार की जगह 8 है। यही दो अननोन्स थे, तो आपने ये फ्रैक्शनल टाइम निकाला, दैट इज द प्रोबेबिलिटी कि जब 7 होगी। अब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1। तो ये उस 1 का फ्रैक्शनल अमाउंट है। तो आपने क्या करना है, आपने एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो आप टाइम कैलकुलेट करें कि कितने आवर्स 7 थी। अभी आपने जस्ट फ्रैक्शन निकाली, अब इस फ्रैक्शन को आवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर लें। सो इस फ्रैक्शन को मैं जब एनुअल आवर्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास अब 84.9 आवर्स पर ईयर आ चुके हैं। ठीक है, अभी भी चीज़ें इनकम्प्लीट हैं क्योंकि ये सिर्फ टाइम आया, मैंने एनर्जी निकालनी है। तो एनर्जी क्या होगा? पावर इन टू टाइम। तो अब देखने की बात यह है कि उसने मल्टीप्लाई किया हुआ है 900 किलो वॉट को 80.8024.9 आवर्स पर ईयर। तो देखने की बात यह है कि ये 900 से मल्टीप्लाई कर रहा है 900 किलो वॉट से, जबकि इधर कह रहा था कि विंड टरबाइन रेटेड एट 705 किलो वॉट, यानी कि 3.07 मेगावाट की टरबाइन है, लेकिन यहाँ पर यूज़ कर रहा है 900। तो इस पे कोई कमेंट करना चाहेगा कि ये क्यों इसने 900 यूज कर लिया? ये वाला 900 किलोवाट जी, इस पे एक छोटी सी बात आपसे पूछ लेते हैं, मेरी रहनुमाई करें जरा, समझ नहीं आ रही। सर क्वेश्चन रिपीट, क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। 3075 मेगावाट की टर्बाइन है, ठीक है, सॉरी 3075 किलोवाट की, यहाँ पर 900 किलोवाट यूज कर रहा है। जो टर्बाइन है वो 3075 किलोवाट की है और यहाँ पर जब एनर्जी कैलकुलेट कर रहा है तो 900 किलोवाट यूज करना उसने शुरू कर दिया। सर ये टेबल में देख के उसने निकाली, सर टेबल में चले जाते हैं जी, ये टेबल खोल देते हैं आपके पास। ये वाली आपके पास वेस्टास की टर्बाइन है, ठीक है, सर्कल लग गया नजर आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो ये है जी, रहनुमाई करें जरा मेरी। तो सर 7.7 पॉइंट से लिखा हुआ सर 900।
बेसिकली बात ये है, ठीक कह रहे हैं चीजें, मसला ये है कि इस 900 को क्यों चूज किया, क्योंकि पार्ट ए में कह रहा है फाइंड द एनर्जी एट 7 मीटर पर सेकंड, विंड की कौन सी स्पीड पे एनर्जी फाइंड आउट करो, 7 के ऊपर, तो 7 के ऊपर पावर क्या है, 900, ठीक है, और 7 के ऊपर आर्स कितने थे वो हमने पहले कैलकुलेट कर ली, क्योंकि एनर्जी होती है पावर इंटू टाइम, तो सही वाली पावर और सही वाला टाइम, तो ये सही कौन डिसाइड करेगा, ये 7 के ऊपर कैलकुलेशन हुई है, टाइम भी 7 के अकॉर्डिंगली और पावर भी 7 के अकॉर्डिंगली, अगर मैं उसको 3075 किलोवाट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये तो मुझे मिल रही है 14 मीटर पर सेकंड के ऊपर, समझ रहे, 14 मीटर पर सेकंड के ऊपर मुझे 3075 मिली, इसका मतलब है मेरी कैलकुलेशन जो होंगी वो रॉन्ग होंगी, ठीक है, तो बात समझ लगी कि क्यों 900 जो है वो हमने मल्टीप्लाई किया, यस सर, ठीक है जी, वापस आ जाते हैं, क्योंकि देखा ना उसने कहा हुआ फाइंड द एनर्जी जनरेटेड बाय 7 मीटर पर सेकंड विंड्स, तो टाइम भी 7 के अकॉर्डिंगली और पावर भी 7 के अकॉर्डिंगली, लिखा भी उसने भाई कि एनर्जी एट 7 मीटर पर सेकंड, सो एनी हाउ जी हमारे पास एनर्जी आ गई 742394 किलोवाट आर पर ईयर, ठीक है, कि एक साल के अंदर 7 के अकॉर्डिंगली ये एनर्जी है। अच्छा मुझे बताएं कि ये अगर मुझे टोटल एनुअल एनर्जी निकालनी हो तो फिर आपके जेहन में कुछ मतलब आइडियाज मेरे साथ डिस्कस करें, थोड़ी सजेशन दें कि क्या करना चाहिए, ये तो 7 के अकॉर्डिंगली है ना सर, 7 के नहीं टोटल सर, वो एवरेज निकाल लेंगे, एवरेज निकाल के फिर उसको जो ईयर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम, जो सर एवरेज एनर्जी निकलती है ना जी सर, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं पावर बेसिकली टाइम से मल्टीप्लाई होके एनर्जी बनती है, एनर्जी जी सर वो एवरेज, ये पहले पावर निकाल लेंगे, पावर निकाल लेंगे ना सर पहले एवरेज, तो एवरेज स्पीड जो ईएफटी टाइम है, तो एवरेज स्पीड फिर क्या होगी, सर जहां पे वो कांस्टेंट नहीं आता सर वो एवरेज होगा, जहां कर्व आती है ना सर, कर्व का जो स्टेबल स्टेबिलिटी आती है, जहां एक ही पावर हो जाती है वो वहां तक पी रेटेड हो जाती है, ये बना देते हैं जी, ये इस लाइन की बात करें जब बेक हो गई है, ठीक है जी, ये पॉइंट को मैंने हाईलाइट कर दिया, ये इसकी बात कर रहे हैं जो कि वी रेटेड से वी फर्लिंग पे, सॉरी ये मैंने थर्मो का बना दिया है जिस बाती हो के, जस्ट अ सेकंड जरा, ठीक है अभी उनको प्रॉपर्टी डायग्राम पढ़ा रहा हूँ, तो दैट इज क्वाइट कॉमन, एनी हाउ जी ये इसकी बात कर रहे हैं जी, ये मैं हाईलाइट कर दिया कि जिस पे ये वी रेटेड पे स्ट्रेट हो जाती और टिल वी फर्लिंग तक हमें जो है वो मिलती रहती है, ठीक है, तो ये कुछ ये करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बाकी भी चले सेम पेज पे आए। चले जी एक इनका ये वाला आइडिया है और लेट्स सी कि देखते हैं कि हम किस तरफ मूव करते हैं, चले एटलीस्ट कुछ जेन उन्होंने सोचा कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। अच्छा ये भी यहाँ पे लिखा हुआ पोर्शन ऑफ रेस्ट ऑफ द स्प्रेडशीट आर गिवन बिलो द टोटल एनर्जी प्रोड्यूसेस 12.41 × 10⁻⁶ किलोवाट आवर्स पर, ये देख लेते हैं ये क्या चीज है, कहां से आई है, अच्छा जी ये देखें, ये हमारे पास एक स्प्रेडशीट बनी हुई है, अच्छा इसको बड़ी मोहब्बत के साथ देखने की जरूरत है, मोहब्बत के साथ इस वजह से कि ये 7 वाली जो कैलकुलेशन है ना वो हमने पार्ट ए में की है, मैं सारी को बोल्ड में भी लिखी हुई है हमारे पास, ठीक है, अब इसको जरा देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले तो टॉप पे है जी विंड स्पीड, हमें पता है पावर किलोवाट, ये टेबल उसने कहाँ से बनाया है, ये जो लिखा हुआ पावर किलोवाट का 0, 0, 0, 20, 130, 300, 550, 900, ये जो प्रीवियस टेबल वेस्तास वाला जहाँ पर आपको बताया था कि 7 पे 900 क्यों आ रही है, ये टेबल उससे आ गया, ठीक है, अब बात आती है ये प्रोबेबिलिटी एफ वी का टेबल,
ये कैसे आया? तो ये एफ वी का टेबल कैसे आया कि पार्ट ए में आपने फ्रैक्शनल टाइम कैलकुलेट किया था एफ वी का फॉर्मूला लगा के, एफ वी, ठीक है, पार्ट ए में आपने एफ वी के फॉर्मूला से, मैं उसको बता भी देता हूँ जरा। अच्छा, आप यस सर अगर कह भी देंगे ना तो उससे कोई नेकियां जाया नहीं हो जाती, ठीक है, बस उससे होता ये है कि पीछे जाना नहीं पड़ता, समझ रहे हैं बात को? तो आपको शायद ये लगता है कि गुनाह की कोई बात है, तो गुनाह नहीं मिलता इससे, इंशाल्लाह सवाब भी मिलेगा, क्योंकि आप मेरे लिए आसानी पैदा कर रहे हैं, तो ये मुफ्त की नेकियां, अटेंडेंस भी लग रही, कमाई भी कर रहे हैं, तो थोड़ा होश किया करें। अच्छा चले जी, ये आपने जी एफ वी कैलकुलेट किया हुआ, जिसको नहीं आइडिया होगा उसको पता चल जाएगा कि ये सेवन के ऊपर पार्ट ए था, सेवन के ऊपर, तो ये आपके पास एट भी हो सकता है, नाइन भी हो सकता है, क्योंकि हम पूरी स्प्रेडशीट को कैलकुलेट करें ना, इसकी जगह टेन भी आ सकता है, इसकी जगह अगर स्पीड अलेवन है तो ग्यारह भी आ सकता है, ठीक है, और ये एट जो नीचे है ये तो फिक्स रहेगा, क्योंकि ये रिले की एवरेज स्पीड है जो कि डेटा में दी हुई है आपको, ठीक है जी। तो जहाँ जहाँ पे सात है वहाँ वहाँ पर चीज़ें चेंज होंगी, वजह क्या है, क्योंकि ये पार्ट ए सेवन के अकॉर्डिंगली था। सो एनी हो जी, जब आप थ्री करेंगे तो थ्री आ जाएगा, फाइव की जगह फाइव, सिक्स, सेवन, तो हमें आइडिया हो गया कि एफ वी कैसे निकलना है, यानी कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकलनी, फ्रैक्शन कैसे निकलनी है। तो ये किस चीज़ की फ्रैक्शन है, इसके साथ आर्स को मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो इस फ्रैक्शन के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है किसको, किया भी था 8760 को, जब फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आया था, जो घंटे आए थे 824.9, ठीक है, आवर्स पर ईयर, ऐसे ही था। यस सर, इस फ्रैक्शन के साथ आपने मल्टीप्लाई किया था 8760। ओके जी, ये भी फ्रैक्शन आई है, इस स्पीड के ऊपर कितने घंटे थे, तो अब इस स्पीड के ऊपर कितने घंटे थे वो भी आपको पता है, और इस स्पीड के ऊपर क्या पावर थी वो भी आपको पता है, तो जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एनर्जी आ जाएगी, ठीक। ये वो पार्ट ए था जो कि हमने किया हुआ था। इसी तरह आप हर स्पीड के ऊपर आपने एनर्जी कैलकुलेट की और आपने उसको सारी एनर्जीज को क्या कर दिया, टोटल कर दिया। तो ये वो स्टेटमेंट थी जो पीछे लिखी हुई थी और मैंने कहा था कि इसको हम देख लेते हैं कि ये कहाँ से आई है। तो ये ओवरऑल एनर्जी आपको मिली है इस विंड टर्बाइन के अकॉर्डिंगली, घंटों को एनालाइज करके। ये देखें ऊपर वाले जो तीन चार वैल्यूज हैं वो बंद रही हैं, जीरो जीरो आ रहा है आपको, जीरो पे भी बंद है, वन पे भी बंद है और टू पे भी ऑफ है, ठीक है। तो ये आर्स तो कैलकुलेशन के अंदर ही आएंगे, तो हमारे पास एक प्योर आंसर आया, ठीक है, 1241491 ये हमारे पास आंसर आया, और इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट टेबल के अंदर दिया हुआ है कि ये इसके साथ किलो वाट आर पर ईयर लग जाएगा। ये इन एक्चुअल डेटा आया है। अगर आप इन एक्चुअल डेटा नहीं देखते तो आप क्या करते हैं कि ये जी इतनी पावर की टर्बाइन है और उसको पूरे साल के घंटों के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये जी ओवरऑल एनर्जी हमें मिल जाएगी एनुअल, लेकिन इन एक्चुअल उससे मुख्तलिफ है। यही चीज़ें हमें आगे जाके एफिशिएंसी में हमारी हेल्प आउट करेंगे। एनी हो जी, ये टेबल जो स्प्रेडशीट आपके सामने है और जो टोटल एनर्जी उसने कैलकुलेट कर दी है, इसमें किसी को कोई एतराज़ वगैरह? कोई नहीं एतराज़ जी? नो सर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये जो सारी चीज़ें हम पढ़ रहे थे ना, ये जो उसने लिखा हुआ था ना, उसको हाईलाइट कर रहा हूँ। पोर्शंस ऑफ द रेस्ट ऑफ द स्प्रेडशीट आर गिवन बिलो द टोटल एनर्जी प्रोड्यूसेस 12.41 × 10⁵ किलो वाट आवर्स पर ईयर। तो ये हमने टेबल में देखा है कि टोटल एनर्जी कैसे कैलकुलेट हुई है, ठीक है जी। सो हम सारों ने अब इस लाइन का हमें पता चल चुका है, जिसका मैंने कहा था कि नीचे जाके देख लेते हैं। ओके जी, अब हम मूव कर रहे हैं एफिशिएंसी की तरफ, एफिशिएंसी की तरफ हम मूव कर रहे हैं। तो देख लेते हैं जी एफिशिएंसी की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हमने ये तो इन एक्चुअल डेटा हमने फाइंड आउट कर लिया, हमारे पास टेबल था और सारी स्पीड्स थी, सारे स्टेटिस्टिक्स थे,
हमने एक्चुअल एनर्जी कैलकुलेट कर ली। अगर हम ये देखें कि रिले स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंगली जो हमारे पास एवरेज पावर का फॉर्मूला है अगर उसको देखें, तो वो हमारे पास क्या है कि पी के ऊपर बार आ जाने का पहला मतलब ये है कि आप रिले स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करें। फिर उसका फ़र्क ये है कि जो नॉर्मल पावर का फॉर्मूला है उसके साथ 6/π आप मल्टीप्लाई करते हैं और आगे आ रहा है 1/2 डेंसिटी एरिया इंटू वेलोसिटी का क्यूब, और वेलोसिटी के ऊपर भी बार है यानी कि स्पीड के ऊपर भी। तो बार का क्या मतलब है कि आप रिले पीडीएफ वाली स्पीड यूज़ करेंगे, हमें डेटा में दी हुई है 8 जिसको हम बार बार इस्तेमाल करें, और डेंसिटी स्टैंडर्ड डेंसिटी 1.225 वो भी हमें बात है एरिया की। तो एरिया को आपको पता है कि सर्कुलर एरिया पाई आर स्केयर होता है, जब डाया लगा दें तो वो पाई बाय 4 डाया का स्केयर हो जाता है। तो डाया यहाँ पर क्या है 112, ये आपको टेबल के अंदर गिवन है 112 मीटर, ठीक है, डायामीटर रूटर का डाया, ठीक है। तो ये अब आपको बातें समझ आ रही होंगी कि जब मैं स्टार्ट में आपको टर्बाइन पढ़ाता था तो उसका जो सर्कुलर डाया बनता था मैं उसके ऊपर आपकी थोड़ी तवज्जो दिलवाता था, और ये भी अब आपको बातें समझ आ रही होंगी कि जब हमने बेट्स लिमिट्स पढ़ी थी तो वो कह रहा था कि ये इतनी स्पीड होती है और इसको इसने एक्सट्रैक्ट करना और क्या करना है। तो जो विद इन द एरिया आपके पास आ रहा है, एरिया वाला भी हमारा मसला सॉल्व हो गया। तो अब हमारे पास एक एवरेज पावर आई है जो कि हमने क्या काम किया था, फाइंड द एवरेज पावर इन द विंड फॉर अ 112 मीटर रूटर डाया और यूजिंग द स्टैंडर्ड वैल्यू डेंसिटी, इनको फाइंड आउट करके हम ये आंसर निकाल चुके हैं। लेकिन ये पावर आपने फाइंड आउट की है, अब आपको पता है कि एक साल के अंदर जो आवर्स होते हैं दैट इज 8760, तो 8760 को आपने इस पावर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया ब्लाइंडली के चल रही है टर्बाइन, नहीं चल रही, फर्लिंग के बाद बंद है नहीं बंद। ये अब आप इस लेवल पर पहुंच चुके हैं, अब आपको पता लग रहा है कि ये ठीक चीज़ें नहीं हैं, ये अवेलेबिलिटी है, उससे एक्सट्रैक्शन कितनी हुई है वो बाद की बात है। तो अवेलेबिलिटी जो है, अवेलेबल जो पावर है विंड के अंदर, बात समझ रहे हैं, ये अवेलेबल पावर है, अगर हम इसको एक्सट्रैक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली टर्बाइन लगाई, टर्बाइन चली नहीं, स्पीड कम थी या टर्बाइन की या ऐसी स्पीड बन गई जिससे डैमेजेस हो सकते थे, हमने उसको बंद करवा दिया, ये प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हैं, ये एक अलहदा बात है। लेकिन मौजूद पावर इतनी है आपके पास के 52.96 × 10^6 किलोवाट आवर्स, हम चाहे उससे 0 ले रहे हों चाहे उससे 1 ले रहे हों, ये बाद की बातें हैं, ठीक है। तो इतनी मौजूद है, तो अब हम बढ़ रहे हैं एवरेज एफिशिएंसी की तरफ। तो प्यारे भाई, बात का मकसद ये है कि जो मौजूद है वो है, उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, मैंने एवरेज एफिशिएंसी के फॉर्मूला में जो मौजूद है उसको हाईलाइट कर दिया 52.96 × 10^6 किलोवाट आवर्स पर ईयर। ये मैकेनिकली है जो कि काइनेटिक विंड की एनर्जी से हम मैकेनिकल जो पावर ले सकते हैं, जो अवेलेबिलिटी है वो इतनी है। लेकिन हम इन एक्चुअल कितनी ले रहे हैं, कोई बताएगा कि हम इन एक्चुअल कितनी ले रहे हैं, हम फाइंड आउट करें या फाइंड आउट हम कर चुके हैं, हमें जो मिल रही है जहाँ पे आपसे कमेंट चाहिए सबसे कि ये तो अवेलेबिलिटी हमने कैलकुलेट कर ली 52.96 × 10^6 किलोवाट आवर्स पर ईयर, हमें इन एक्चुअल कितनी मिल रही है, कैलकुलेट करने की जरूरत है या हमने कर ली हुई 8760? तो एक साल के अंदर घंटे होते हैं, हम बात कर रहे हैं कि एनर्जी की, कि एनुअल एनर्जी आप कितनी रियलिटी में कितनी आपको मिल सकती है। तो वो भाई हमने ये स्प्रेडशीट के अकॉर्डिंगली पूरा टेबल बना के कैलकुलेट की हुई है, उसको दोबारा हाईलाइट कर देता हूँ। हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ये वो इन एक्चुअल है कि हमने हर स्पीड के ऊपर एनालिसिस किया कि 7 के ऊपर क्या एनर्जी है, 6 के ऊपर, 8, 5, 9, 6, 20, 21, 22, फिर सबको सम अप किया, ये वो एक्चुअल एनर्जी है जो कि हम टेबल के अंदर स्प्रेडशीट के अंदर कैलकुलेट कर चुके हैं। सो वो हमने न्यूमिनेटर में लिख दी है कि 12.415 × 10^6 किलोवाट आवर्स पर ईयर,
ये वो एक्चुअल एनर्जी थी जो कि हमें मिल रही थी, ठीक है जी। तो उसको हमने अवेलेबल से डिवाइड कर दिया, तो आपके पास एवरेज एफिशिएंसी क्या आ रही है 23.4%। ये वो फर्क होता है जो कि आप एफिशिएंसी के सेंस में कह रहे होते हैं। इसमें किसी को कोई इतराज वगैरह? जी इसका किसी को आइडिया ना लगा कि एफिशिएंसी कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये हमने अवेलेबिलिटी हमने देख ली, और अवेलेबिलिटी के अलावा हमने अपने टेबल को और एक स्प्रेडशीट बना के इन एक्चुअल कैलकुलेशंस कर ली। अब आपके सामने है कि इन एक्चुअल में और सारी चीज़ों में कितना डिफरेंस है। तो एवरेज एफिशिएंसी जो हमारे पास आई है दैट इज 23.4%। अब पार्ट डी की तरफ जाते हैं। पार्ट डी ये था द कैपेसिटी फैक्टर फॉर दिस मशीन इन द विंड, कि कैपेसिटी फैक्टर क्या। ओके जी, अच्छा अब यहां पर मैं एक और भी चीज कही हुई थी कि हमने जस्ट कैपेसिटी फैक्टर को फाइंड आउट नहीं करना, हमने थोड़ा उसे एनालिसिस भी करना है कि अच्छा जब हम एफिशिएंसी फाइंड आउट करेंगे या कैपेसिटी फैक्टर फाइंड आउट कर रहे होंगे, या एफिशिएंसी कोट की हो उसने या कैपेसिटी फैक्टर उसने कोट किया हो, तो हमारे जेहन में फर्क पैरेलल में चलता रहना चाहिए। तो पहले तो कैलकुलेशन का देखते हैं। डेफिनेशन जो 7.7 में भी एक दफ़ा शॉर्ट वे में डिस्कस की थी दैट, अब इसका फॉर्मूला क्या है? इनर्जी डिलीवर्ड, ये वही इनर्जी है, वही स्प्रेडशीट का डेटा है जो कि इन एक्चुअल विंड टर्बाइन हमें दे रही है। इनर्जी डिलीवर्ड 12.415 टेरास पर 6 किलोवाट आवर्स पर ईयर, राइट। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डिनोमिनेटर में इसके क्या है कि इनर्जी एट फुल पावर। इसमें और उसमें क्या फर्क है, उसके डिनोमिनेटर में और इसके डिनोमिनेटर में क्या फर्क है? ये कह रहा है एनर्जी एट फुल पावर, ठीक है। और वो क्या आपके पास कह रहा था, दोनों अब मैंने एक ही पेज पे रख दिए। टॉप पे एवरेज एफिशिएंसी भी उसने लिखी हुई है, और ये डिनोमिनेटर में कह रहा है एनर्जी एट फुल पावर। तो क्या फर्क है इन दोनों में आपको लग रहा है? जी इनमें फर्क सर, उसमें सर 52.96 में ज्यादा वहां पे हम एक्चुअल पावर नहीं यूज कर रहे सर, वहां पे हमें जो चीज उसके मुताबिक कर रहे। इसमें सर ये कि एनर्जी जो हमें पावर के ऊपर चाहिए वो रिक्वायर वो हम यूज कर रहे। अच्छा, और जी कोई कमेंट? अच्छा चलें जी, वो वक्त हालात के तनाजर में मैं ही बता देता हूँ ना। अच्छा, मसला ये है कि यहाँ पर जो भी मैंने हाईलाइट किया पार डी, उसके अंदर लिखा हुआ है एनर्जी एट फुल पावर। तो यहाँ पे वर्डिंग से जाहिर है फुल पावर का क्या मतलब है इस क्वेश्चन के अंदर, कि 3075 किलोवाट की टर्बाइन है जो कि फुल पावर पे रेटेड पावर के ऊपर चल रही है। तो इसका मतलब ये है, एनर्जी एट फुल पावर का मतलब ये है कि जब एनर्जी को कैलकुलेट करना है तो जो आप पावर यूज़ करेंगे वो आप उसकी रेटेड पावर लेंगे, फुल पावर को यूज़ करेंगे जो कि 3075 किलोवाट है। जबकि एफिशिएंसी के फॉर्मूला के अंदर आपने क्या किया हुआ है, एफिशिएंसी के फॉर्मूला के अंदर आपने एवरेज पावर कैलकुलेट किया है यूजिंग रिले स्टेटिस्टिक्स। वहां पर आपने एवरेज पावर का फॉर्मूला लगाया है 1/2 डेंसिटी एरिया और स्पीड का क्यूब और इनटू ए कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया रिले की वजह से। तो ये फर्क है, ये एनर्जी एट फुल पावर है, तो वो एवरेज एनर्जी है जिसकी जगह पे आपने पावर का फॉर्मूला लगाया। अब ये दोनों अभी पावर पावर मैंने डिस्कस की है, ये एनर्जीज उस वक्त बनेगी जब इनके साथ मैं पूरे साल वाले घंटे मल्टीप्लाई करूंगा। तो आवर्स दोनों फार्मूलाज में सेम मल्टीप्लाई हुए हैं क्योंकि एनुअल की बातें हो रही हैं, 8760। ये सिमिलैरिटी है, और डिसिमिलैरिटी क्या है कि वहां पर आपने रिले स्टेटिस्टिक्स के अकॉर्डिंगली एफिशिएंसी के अंदर एवरेज पावर का फॉर्मूला यूज़ किया, और यहाँ पर कैपेसिटी फैक्टर के अंदर आप इनर्जी एट
फुल पावर लेते हैं, ठीक है। तो जब ये फर्क बीच में इंक्लूड हो चुका है बाय डेफिनेशन, तो डेफिनेट सी बात है आंसर्स भी डिफरेंट आएंगे। तो जब आपके माइंड में चल रहा हो एफिशिएंसी का और कैपेसिटी फैक्टर का, तो आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं और कहाँ पर मुख्तलिफ हैं और इनका आंसर क्या होगा। तो कहीं लिखी भी हूँ तो आपको पता होना चाहिए, लेट से किसी ने लिखा हुआ 46.1, तो आपको पता होना चाहिए कि ये इनर्जी डिलीवर जो कर रहा है और उसने उसको डिवाइड किया हुआ एनर्जी एट फुल पावर पे, सारी आपके जहन में पूरी फिल्म रिपीट हो जानी चाहिए, ठीक है। सो आई होप सो कि अगर कहीं पर एवरेज एफिशिएंसी वगैरह लिखी हो या कैपेसिटी फैक्टर लिखा हो, तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाना चाहिए कि व्हाट्स गोइंग ऑन। और अगर मैं इसको थोड़ा इस तरह डीपली डिस्कस ना करता, तो शायद आपके जहन में ये ख्याल उभरता रहता कि शायद ये सेम है, या पता नहीं वो क्यों कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, या कब किसको करना है, तो कोई इस तरह के मामलात भी आ सकते थे। खैर नहीं हो, अब उम्मीद है कि नहीं आने चाहिए, ठीक है जी। ये था जो कि अभी हमने न्यूमेरिकल एक किया। अच्छा, ये भी एक पढ़ने की ज़रूरत है, अच्छी चीज़ है, इससे भी थोड़ा हमें आइडिया हो जाएगा। क्या हिस्टोग्राम ऑफ आवर्स पर ईयर एंड मेगावाट आवर्स पर ईयर एट ईच विंड स्पीड फॉर द अबव एग्जांपल इज प्रेजेंटेड इन फिगर 7.32। के हिस्टोग्राम आपके पास बनाया हुआ जो कि एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ द डेटा, आर्स पर ईयर और मेगावाट आर्स पर ईयर, इससे बड़ा एक यूजफुल हमें चीज़ अभी पता चलनी है। पहले देख लेते हैं कि वो है क्या। बहुत प्यारी जो है ना वो फिगर है ये वाली 7.32। इस सेंस में नहीं है कि ये कुछ कलरफुल हैं या बड़ी बेहतरीन लग रही है, नॉलेज की सेंस में। अब इस पिक्चर में है क्या हमारे पास, कि एक तो विंड स्पीड एक्स एक्सिस पे दी हुई है 0, 1, 2, 3, जैसे हम टेबल के स्प्रेडशीट्स बना रहे थे, और ये लिखा हुआ है आवर्स पर ईयर और मेगावाट आवर्स पर ईयर एट वी उस सर्टेन स्पीड के ऊपर जो आपको एनर्जी मिल रही, राइट। अब अगर देखा जाए तो उसमें जो लेस शेड जो लाइट कलर है वो आवर्स पर ईयर के हैं और जो डार्क कलर है वो पावर का है। अब मैं इसको जो बताने वाली बात, अब इस पे गौर करना है आपने कि ये इसी को मैं हाईलाइट कर लेता हूँ जिसको उसने किया। आवर्स पर ईयर ये वो बता रहा है कि एक साल के अंदर कितने घंटे हैं, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 5 की स्पीड के ऊपर 5 मीटर पर सेकंड के ऊपर आप मुझे बताएं कि एक साल के अंदर कितने घंटे जो हवा है वो कितने आर्स जो है वो 5 पे चलती है, 5 मीटर पर सेकंड एक साल के अंदर कितने घंटे स्पीड 5 रहती है। हाईलाइट कर दिया मैंने चीज़ें, एक साल के अंदर कितने आर्स स्पीड 5 रहती है। जी आप लोगों के लिए माइक ऑन करके आहिस्ता आहिस्ता कोई बताए। 800 सर, 800 आवर्स एक साल के अंदर 800 घंटे हैं, क्योंकि टोटल कितने होते 8760, राइट। लेकिन जब पावर को अब आप देखेंगे डार्क कलर में क्या है, ये जैसे उसने हाईलाइट किया हुआ है मेगावाट आवर्स पर ईयर, यानी कि डार्क कलर जो है वो आपके पास एनर्जी है। तो अब मैं 5 की एनर्जी को हाईलाइट करने लगा हूं, ये अब मुझे आप ये बताएं कि 5 मीटर पर सेकंड के ऊपर आपको एनर्जी कितनी मिल रही है, 5 मीटर पर सेकंड के ऊपर एनर्जी कितनी मिल रही है। बताते हैं जिस तरह घंटे बताएं, अल्लाह अजर देगा जी। हाँ जी, इरादा लिखवाते होते ना, बताएं जी 5 मीटर पर सेकंड के ऊपर क्या एनर्जी मिलेगी आप। सर 210 है ये जी, वो कह रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि 200 तक हमारे पास इधर दिया हुआ तो उससे थोड़ी सी ऊपर थी तो 210 है। मैं जल्दी में 200 ही कह देनी थी, चले माशाल्लाह बच्चे जो है ना वो इसका मतलब नहा के और खुशबू लगा के बैठे हुए,
तो ये थोड़ी सी बार 200 से ऊपर है, तो कह रहे हैं जी 210 है, चले 210 हो 20 हो लेकिन अच्छी बात है, उन्होंने 50 तक हो सकती है सर। चलें जी, सुफी साहब कह रहे हैं शायद 50 तक हो सकती है, इनको चॉकलेट दें जी। चलें, इसमें अब क्या है कि ये अब एनालाइज जो चीज़ करवानी है, थोड़ा आगे लेके चलते हैं आपको। अब मैं 11 पे आ जाता हूँ फॉर एग्जांपल, तो 11 के ऊपर आप देखें कि आर्स पर ईयर जो है वो तकरीबन आपके पास 500-550 के अकॉर्डिंगली ये कुछ इस तरह से हैं, लेकिन पावर आप देखें कि पावर जो आपको मिल रही है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली आपको कुछ 1600 के करीब करीब मिल रही है, उससे थोड़ी सी कम है। तो ये ब्यूटी किस चीज़ की है? ये ब्यूटी है स्पीड के क्यूब की, ठीक है? स्पीड के क्यूब, जब आप वी क्यूब लेते हैं, स्पीड कम है और पावर के ग्राफ्स किधर गए हैं। और दूसरी एक और चीज़ कि लो स्पीड्स के ऊपर कम पावर होती है, तो जब आप एनर्जी कैलकुलेट कर रहे होते हो तो कम पावर जब मल्टीप्लाई होती है तो आंसर कम आता है। तो यहाँ पर एक मुझे और भी चीज़ों का आइडिया हो रहा है कि लो स्पीड जो है उसके आर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर आप मैं इसको हाईलाइट कर दूँ ना, ये लो स्पीड वाले एरिया को, अब मैंने एक बड़ा सर्कल लगा दिया, एक दो सर्कल लगा दिए। लो स्पीड्स के ऊपर अगर आप देखें तो आर्स ठीक ठाक हैं, 1 के ऊपर तकरीबन 220 आर्स हैं, 2 की स्पीड के ऊपर तकरीबन 400 आर्स हैं, और 3 की स्पीड के ऊपर तकरीबन 600 के करीब आर्स हैं, 4 की स्पीड के ऊपर कुछ 700 के करीब आर्स हैं, 5 की स्पीड पे कोई 800 के करीब है। तो ये आप देख रहे हैं कि 8760 टोटल हैं, तो अच्छे खासे आर्स इधर ही पड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर एनर्जी क्या मिल रही है? कम मिल रही है, समझ रहे हैं बात? तो ये एक्चुअली हमें बता भी रहा है सारी चीज़ें कि क्या हो रहा है हमारे पास। तो अब ये क्यों मैंने इसको खोला या क्यों, मैं अक्सर आपको कहता भी रहता हूँ कि कोई भी जो बुक पढ़ते हैं ना, तो उसके जो न्यूमेरिकल के अंदर जो अजम्पशंस या जो उसका रिजल्ट्स या डिस्कशन होती है ना, वो लाजमी किया करें, क्योंकि उससे कॉन्सेप्ट बनता है। ये मैंने इस पैरा को मेरी नज़र पड़ी तो फिर मैं उस पिक्चर पे गया, तो फिर मैं जेहन में आया कि अच्छी चीज़ें इनको बतानी चाहिए, तो खैर उससे थोड़ा डीप एनालिसिस होता है। सो इसने कहा था कि फिगर, हम उसको बड़ा गौर से देखा है, उसने कहा नोट हाउ लिटल एनर्जी इज डिलीवर्ड एट लोअर विंड स्पीड्स। तो हमने देखा कि वाकई विंड लोअर विंड स्पीड्स के ऊपर, यानी कि 0, 1, 2, 3 के ऊपर बहुत कम एनर्जी थी, ये भी हमने भी देखा, इन स्पाइट ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ आवर्स ऑफ विंड्स एट दो स्पीड्स। ये भी हमने देखा कि बावजूद इसके कि कम स्पीड के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़्यादा घंटे कम स्पीड चलती रही, लेकिन एनर्जी कोई खातर खा नहीं दे सकूँ, ठीक है? ये उसके कहने का मतलब है, जो कि मैंने अभी सर्कल बड़े वाले दो सर्कल लगा के आपको बताया अभी कि स्पीड कम है लेकिन ठीक ठाक घंटे हैं जो कि कम स्पीड चलती रही और एनर्जी भी हमें कम देगी। दिस इज़ ऑफ कोर्स अनदर एग्जाम्पल ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ द क्यूब रिलेशनशिप बिटवीन पावर इन द विंड एंड विंड स्पीड्स। तो फिर हमने एक और भी चीज़ देखी कि जब हम 11 पे या 12 पे या 13 पे गए तो हमने क्या देखा कि आपके पास कम स्पीड के ऊपर ठीक ठाक आपको एनर्जी मिल रही थी, ठीक है? अब इसकी क्या वजह थी, ठीक है? इसकी एक और भी वजह जो क्यूब की इंपॉर्टेंस कह रहा है, एक तो ये कि जब वैल्यू छोटी होती है, फॉर एग्जाम्पल वैल्यू 1 है, तो 1 का क्यूब लें 1 नहीं बनेगा, 2 का क्यूब लें मैक्सिमम क्या बनेगा 8 बनेगा। अब आप 11 का क्यूब लें तो आपको फील होगा कि 11 का क्यूब जो है वो 11 से कितना मुख्तलिफ है, 2 का जो क्यूब है वो जस्ट 8 बन रहा है, 3 का क्यूब जो है वो माइट भी आपके पास 27 के करीब वैल्यू आ रही हो। तो कम वैल्यूज़ के ऊपर क्यूबिक वैल्यूज़ भी कम है, ज़्यादा वैल्यूज़ के ऊपर क्यूबिक वैल्यू भी ज़्यादा हैं और पावर्स भी ज़्यादा हैं, आंसर भी ज़्यादा आएगा, समय वाको। सो ये दैट इज़ द वे क्यों हम हब हाइट को भी थोड़ा ऊपर लेके जा रहे होते हैं, क्यों एक रीज़नेबल हाइट पे उसको लगाया होता है, क्यों उसको बिल्डिंग से और कम्युनिटी से हट के लगाया होता है। एक तो खैर डैमेजेस और वो भी इश्यूज हैं, तो ये खैर एक ब्यूटी थी कि किस तरह से हम करते हैं। तो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे, और ये वो तरीका है जो कि अब आपने देख लिया है कि मैं जो आपको बार बार मोटिवेशन से कहता हूँ शुरू से लेके अब तक, मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो एग्जांपल को पकड़ता हूँ उसको किसी और तरीके से परखता हूँ, ठीक है? तो कोई बात नहीं, हमारा सफ़र इस कोर्स तक है, ये मेरा एनालिसिस है। अब आप स्टूडेंट हैं तो आपने अपनी मोहब्बत बिखेरनी है, अब आप जितना भी एनालिसिस कर लें,
लेकिन मैं थोड़ा सा मुतमिन हूँ कि मैं अपने स्टूडेंट्स को एक रीज़नेबल वे में बता देता हूँ, क्योंकि मेरे तक अभी तक ना तो कोई ख़ास क्यूरी आई है, ना कोई इस तरह की चीज़ होती है, तो मैं उम्मीद है कि सेटिस्फाई हूँ। अब पता नहीं आप किस हद तक सेटिस्फाई हैं ये मुझे नहीं पता, ठीक है। तो न्यूमेरिकल हमने बेतहाशा किए हैं, लेकिन आपने मेरा अंदाज़ टोटली न्यूमेरिकल का देखा होगा कि मैं उसको जस्ट फॉर द सेक ऑफ मैथमेटिक्स नहीं करता। जितनी उसमें चीज़ें होती हैं, जितनी मैक्सिमम मैं एफर्ट पुट कर सकता हूँ, या जब मैं रीडिंग भी कर रहा होता तब भी मेरा कुछ और ही अंदाज उस पर होता है। सो आई होप सो कि आपके कॉन्सेप्ट्स में थोड़ी इम्प्रूवमेंट आ रही होगी, ठीक है। और सेवन का हमने क्विज रखना है, तो उसको भी उस हिसाब से ज़रा स्टडी करना शुरू कर दें, ठीक है जी। कोई इशू वगैरह हो तो यू कैन डिस्कस, ताकि फिर अगर कोई लीव करना चाहता है तो लीव, लेक्चर एंड है, अगर कोई किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ठीक है जी, कोई नहीं, आवाज़ें आ रही तो चलते हैं फिर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। हेलो।